लेकिन कई बार होता है कि आपकी जिंदगी में कई कन्याएं आई, जैसे पहले बोला, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लव जो 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 आई है, एक बात मैं पूरी कर लूं इसको, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं परभाषा ये कसीना के बारे में जो आपकी दोस्त हैं आज, उसके बारे में जिस तरह की बातें आप करते हैं, मेरे को लगता है उनसे आपका रियल प्यार है कि वो क्या पहने, इसके ऊपर भी कंसर्न है आपको, वो किसके साथ, वो हर एक पहले किसी के साथ नहीं होता था इस तरह का, पहले थोड़े आप बिंदास थे। नहीं नहीं सर, हमेशा होता था, वो बोलता नहीं था लेकिन हमेशा अंदर से था। इस वक्त नहीं, उस वक्त भी यही थिंकिंग, जो अगर आप मेरी पिक्चर देखेंगे तो मेरी पिक्चर में तो वही है सर कि यू नो डिसेंसी है और यू नो एक फैमिली फिल्म यू नो टाइप की पिक्चर है, मैं ज्यादा करता हूँ उसमें, सिर्फ शर्ट निकालने का हक मेरे को है और किसी और को नहीं है। जो कैटरीना के साथ आपकी रिलेशनशिप, इसको हम प्यार बोले ना या दोस्ती बोले, आप जो भी नाम देना चाहें सर, मैं आपकी तो लोगों को परिभाषा मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि कल को लड़के लड़कियां प्यार बोले, दोस्ती बोले, आप इसको दुश्मनी बोले, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर उनको रिस्ट्रिक्शन को आप लगाते हैं ना उनके ऊपर कई बार? नहीं सर, रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, कोई अगर कोई नया है अगर थोड़ा सा गाइड करे उनको तो उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं कहा जाता सर, ना उसको पोजेसिवनेस कहा जाता है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूं और मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। द रीजन आज इस मुकाम पे मैं हूं क्योंकि कुछ न कुछ तो सही किया होगा मैंने, तो दिखता है साफ कि ये गलत जा रही है तो वहां पे रोक सकता हूं, फिर उनकी खुद की थिंकिंग है, उनकी उनका खुद का करियर, और फिर वो जाए उसके बाद एक बार बोल सकता हूं, दो बार बोल सकता हूं, उसके बाद जो भी उनका खुद का डिसीजन है, क्योंकि यंगर जनरेशन है और हम लोग थोड़े से नो सीनियर्स हो गए, जो यंगर जनरेशन को चाहिए अगर शी फील्स दैट शी शुड गो एंड डू व्हाट शी वांट्स टू डू, शी इज मोर देन वेलकम। आपने कहा ना, मैं किसी के साथ उनको सबके साथ एक्टिंग करने की परमिशन, पर एक इडियट के साथ करने की परमिशन नहीं है, मैं नाम नहीं पूछूंगा, छोड़िए उसको, पर इट रिफ्लेक्टेड यू आर की यू आर पर्सनली पॉजिटिव अबाउट हर। नहीं, इट्स नॉट, इट्स नॉट बीइंग पॉजिटिव सर, बिकॉज वन नोज पीपल, वन नोज देयर थिंकिंग, तो उसको लेके वो बहुत सारा माइलेज और बहुत सारी पब्लिसिटी और बहुत सारा कुछ यू नो एक अपने सर, क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि अगर एक बड़े स्टार को के ऊपर इल्जाम लगा के उसे नीचे गिराएं तो उनकी तस्वीर ऊपर नहीं, उनकी तस्वीर छप जाती है साथ में, तो वो ऐसा लगता है उनको कि अब ये अराइव, सो कोई अरब ऐसे अराइव नहीं होता सर, उन्हें फोटो छुपाने की आदत बड़े साथ लग जाती है उसके। आप ढूंढ रहे हैं आईपीएल टीम जी, आप फुटबॉल के एम्बेसडर बन गए, क्योंकि आप फुटबॉल का शौक आपको पहले से था, लाइक करते थे, ये क्रिकेट में जो घुसने की आदत पड़ी उसके पीछे क्या राज क्या है सर? कोई राज नहीं है सर, मैं सिर्फ बिजनेस प्रोपोजिशन या स्पोर्ट्स सर, एक्चुअली क्या सर, 20 सालों के अंदर इतना काम कर लिया है कि सुबह से लेकर, तो कभी स्पोर्ट्स खेलने का मौका नहीं मिला, कभी देखने का इतना मौका नहीं मिला, ना फुटबॉल ना क्रिकेट, और हमारे डैडी और हमारे भाई अरबाज हैं वेरी बिग क्रिकेट फैंस, तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालें, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा खेल लें, अगर खेलते खेलते एक टीम ओन हो गई, ब्रांड एम्बेसडर बन गए तो वेरी गुड, शौक भी है और फिट भी रहेंगे और एक अच्छी चीज है, जो एज अ आप बिजनेस प्रपोजल ले लें या एज ए एक शौक या टीम रखना है या फॉर टू पब्लिसाइज माय चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन, ये सबका एक फुटबॉल एक कॉमन मैन की गेम है, क्रिकेट एलिटिस्ट गेम है, तो सलमान सर आपको ये नहीं पता होगा सर, आजकल के जितने बच्चे हैं सर, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फुटबॉल, जिस दिन हमारे यहाँ पर यू नो फुटबॉल का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया और यहाँ पे फुटबॉल आइकन्स बनने शुरू हो गए, जैसे कि बेकहम वगैरह हैं वहाँ पे, यहाँ पे आई थिंक फुटबॉल विल टेक द सेम थिंग, बिकॉज यहाँ से लोग जाते हैं बाहर मैचेस देखने के लिए, वो यहाँ पे भी हो सकता है सर।